तो 9th क्लास चैप्टर 1 है, नंबर 1 सिस्टम। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति को हम समझेंगे। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए, पिछली क्लास में ही पढ़े होंगे, संख्या रेखा। संख्या रेखा जिसको नंबर लाइन बोलते हैं, जिसमें ऐसी एक लाइन होती है बनाते हैं और इधर जीरो, इधर नेगेटिव नंबर रहता है और इधर पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव नंबर रहता है। ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। लेफ्ट साइड में ऋणात्मक रहता है ऋणात्मक संख्याएं रहती हैं, इधर धनात्मक। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे, और इधर -1, -2, -3, -4, -5 ऐसे करके, इधर इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव। उसके बाद आता है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं प्राकृतिक संख्याओं में प्राकृतिक संख्याएं वो होती हैं जो 1 से स्टार्ट होती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 ऐसे करके, ये अनंत होती हैं, इनका कोई अंत नहीं होता। फिर से एक बार सुन लें, प्राकृतिक संख्याएं वो हैं जो 1 से स्टार्ट होती हैं। इसके बाद आता है पूर्ण संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं जिसको n से डिनोट करते हैं, और पूर्ण संख्याओं को होल नंबर बोलते हैं जिसको w से डिनोट किया जाता है। और हम इसमें उन संख्याओं को रखते हैं जो कि 0 से स्टार्ट होती हैं। ये ध्यान समझिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक बार समझ में आ गया तो सब कुछ बहुत ही आसान हो जाएगा। पूर्ण संख्याएं वो हैं जो 0 से स्टार्ट होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं वो हैं जो 1 से स्टार्ट होती हैं। हालांकि पूर्ण संख्याओं में भी 1, 2, 3, 4 आते हैं, लेकिन इसमें एक संख्या अलग है 0, और इसमें 0 नहीं आती है। प्राकृतिक संख्याओं में 0 नहीं होती है और पूर्ण संख्याओं में 0 होते हैं। उसके बाद है पूर्णांक। पूर्णांक में पूर्णांक को हम इंटीजर बोलते हैं जिसको जेड से डिनोट करते हैं, और इनमें पूर्ण संख्याएं तो आती ही हैं, 1, 2, 3 ये सब आती ही हैं ऐसे कुछ भी, और उसमें माइनस संख्याएं भी आती हैं, नेगेटिव नंबर भी इसमें आते हैं, -1, -2 ऐसे करके। पूर्णांक संख्याओं में माइनस संख्याएं भी आती हैं और पूर्ण संख्याएं भी आती हैं। आगे आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या इसको रेशनल नंबर बोलते हैं, जिसको हम R से डिनोट करते हैं। ध्यान देना है, परिमेय संख्याएं वे होती हैं, ऐसी संख्या जिसे पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन क्यू बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। क्यू बराबर नहीं होना चाहिए 0 का मतलब है कि जो नीचे इधर दिया गया है हर, जिसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। जैसे अगर हम एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे 3/0, तो ये हमारा इंटीजर रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि इसमें 0 आते हैं, तो ये रेशनल नंबर। वैसे ही अगर हम एग्जांपल देखते हैं 2/5, 2/3, तो ये हमारा रेशनल नंबर है, और इसे माइनस में भी आते हैं संख्याएं। तो इस तरह हम परिमेय संख्याओं को इस तरह हम दर्शाते हैं।
इसके बाद आती है एक संख्या जिसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याओं को हम इरेशनल नंबर बोलते हैं, और इनमें ऐसी संख्याएं आती हैं जो कि अनंत तक कटे ना, जिसका कोई अंत ना हो, जैसे कि √2, √3 और ऐसे जो भी हैं जिसका वर्ग संभव ना हो, और पॉइंट पाई जैसे हो गया, पाई भी कभी कटता नहीं है, इसका कितना भी इसको सॉल्व करेंगे ये बढ़ता ही चला जाएगा, और जैसे कि 0.121 ऐसे जो है ये आता जाए, और इधर लास्ट में से तीन ऐसे बिंदी लगी रहेगी, तो उसका मतलब ये है कि ये इसका अंत नहीं होगा। या कभी कभी ऐसा लिखा रहता है जैसे 0.47 और इधर ऐसे लाइन खींचा जा सकता है। तो इस तरह हम इस ये संख्याओं को हम जो है अपरिमेय संख्या बोलते हैं। एक बार और बेसिक समझ लेते हैं। संख्या रेखा, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या में जीरो नहीं आता है, प्राकृतिक संख्या में जीरो नहीं आता है, पूर्ण संख्या में जीरो आता है। पूर्णांक में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और माइनस भी, माइनस संख्याएं भी, इसमें निगेटिव नंबर भी आते हैं। परिमेय संख्या रेशनल नंबर वो है जो जिसको हम पी और क्यू ग्रुप में लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है क्यू जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। अपरिमेय संख्या, यहाँ पर हम जो है अपरिमेय संख्या में जो किसी का वर्ग ना हो, जिसका वर्ग संभव ना हो, और जो संख्याएं कटे ना, बढ़ती चली जाएं, उनको हम अपरिमेय संख्याओं में रखते हैं। अभी क्वेश्चन को देखेंगे। एक्सरसाइज 1.1 है। इज जीरो ए रेशनल नंबर? क्या जीरो जो है ये परिमेय संख्या है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू? क्या इसे जो है तुम, क्या इसे पी और क्यू के रूप में लिखा जा सकता है? वेयर पी एंड क्यू आर इंटीगर्स एंड क्यू नॉट इक्वल जीरो। जहाँ पर पी और क्यू जो है पूर्णांक संख्याएं हैं और क्यू बराबर नहीं है जीरो के, तो जीरो को हम, पहले क्वेश्चन है इज जीरो इज ए रेशनल नंबर, तो लिखेंगे यस, जीरो इज ए रेशनल नंबर। इट कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ पी क्यू, पी अपॉन क्यू। एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 0.1, 0.2, 0.3, ये जो है हमारा, इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। जहाँ पे जो है नीचे जो क्यू है ये हमारा ऊपर वाला पी है, नीचे वाला क्यू है, नीचे जो क्यू है ये हमारा जीरो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया गया है क्वेश्चन, फाइंड सिक्स रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के दो मेथड हैं, तो पहला देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितने जैसे कि 3 और 4 के बीच में जितनी संख्याएं, सिक्स नंबर्स हमको फाइंड करने हैं, तो जितने नंबर फाइंड करना है उसमें एक प्लस कर लेते हैं। 6 प्लस 1 इक्वल 7। अब जो 7 आया है इसको हम क्या करेंगे, दोनों का जो डिनोमिनेटर है सेम करने के लिए 3 अपॉन 1 होता है नीचे, तो इसमें 7 अपॉन 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और 4 में भी नीचे, 4 के नीचे भी 1 है लेकिन लिखा नहीं गया है, और इसके नीचे इसको भी हम 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 21 अपॉन 7 और 28 अपॉन 7। अब इसके इसमें हमको संख्याएं मिल गई, 21 से और 28 तक हमको 6 रेशनल नंबर मिल जाएंगे, जैसे 22 अपॉन 7, 23 अपॉन 7, 24 अपॉन 7, 25 अपॉन 7, 26 अपॉन 7 एंड 27 अपॉन 7। ये हमको 6
सिक्स परमेश्वर नंबर हमको मिल गया। नेक्स्ट मेथड है, जैसे कि दिया ही गया है थ्री एंड फोर में क्या करेंगे हम, हमको पता है कि 3.1 जो है ये 3 से ज़्यादा है और 4 से कम है। ऐसे ही हम जो है 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 एंड 3.6 ऐसे करके हम इसको फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। दोनों का जो है डिनोमीटर सेम है, हर सेम है, बराबर बराबर है, तो हम कई मेथड से इसको कर सकते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं, मल्टीप्लाई और नहीं करेंगे, सिंपल कर लेते हैं। 3/5 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो 0.6 आता है, और 4/5 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो 0.8 आता है। तो इसको हम आगे इसे बढ़ाते हुए लिखते चले जाएंगे, 0.61, 0.62, 0.63, 0.64 ऐसे करके हमको 5 निकालना है, तो 5 तक हम लिख डालेंगे 5, ये हमको मिल जाएगा। ये इजी है, इसी को कीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन दिए हुए हैं, हमको उसको स्टेट करना है, रीजन बताना है। क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। जो है ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है इसको बताना है सही है कि गलत है, अगर आपके अगर सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है, इसका रीजन भी बताना है। एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, क्या जो है प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या है। तो सबसे पहले हम इसका आंसर लिख लेते हैं ट्रू। ट्रू जहाँ पर क्या है, क्योंकि ये जो होल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर एंड जीरो, क्योंकि जो होल नंबर होता है वो नेचुरल नंबर और जीरो का कलेक्शन होता है। तो जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर है, क्योंकि हम बताए थे पहले ही कि होल नंबर में नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 आता है और जीरो तो हमारा होल नंबर में होता ही है। आगे क्वेश्चन है, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, क्या प्रत्येक पूर्णांक होल नंबर पूर्ण संख्याएं हैं। तो लिखेंगे आंसर फॉल्स, क्यों, क्योंकि जो है बताते हैं आपको, क्योंकि लिया गया है एवरी इंटीजर्स प्रत्येक, क्योंकि इंटीजर्स में तो हम बताए थे आपको माइनस भी आता है, माइनस संख्याएं भी आती हैं, -5, -6, लेकिन जो होल नंबर्स हैं उसमें जीरो से लेकर अनंत तक है लेकिन उसमें माइनस नहीं आता, इसलिए फॉल्स है। तो लिखेंगे बिकॉज नेगेटिव इंटीजर आर नॉट होल नंबर, होल नंबर्स। नेक्स्ट है, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, क्या प्रत्येक जो परिमेय संख्या है वो पूर्ण संख्या है। लिखेंगे फॉल्स, इसको भी समझ लेते हैं क्यों, क्योंकि जो परिमेय संख्या है वो हम पी और क्यू के रूप में लिखते हैं, लेकिन जो होल नंबर है वो हम पी और क्यू के रूप में नहीं लिखते हैं, सिंपल वैसे ही जीरो से स्टार्ट करते हैं और उसको लिखते चलते हैं। तो लिखेंगे रेशनल नंबर, नेचुरल नंबर्स लाइक 3/5, 2/3, 7/5
आर नॉट द होल नंबर। इस तरह करके हैं इसको। ये हमारा एक्सरसाइज 1.1 था। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।